अब बीए में मैंने इंग्लिश में दो दफ़ा फेल हुआ और एमए इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ और इस तालीमी निज़ाम ने मुझे ये तक नहीं बताया कि ऑक्सफर्ड एडवांस लर्नर्स नाम की एक डिक्शनरी हुआ करती है दुनिया में, वो मुझे ले गए कि चल काशिफ यार मैं तेन ले कर जाना डिकड़ी गल है, मेरी खुशी की इंतहा ऐसे जैसे मुझे बकरा मिल गया लेला मिल गया। मैंने घर अम्मा को कहा कि मैं हूँ चला वहाँ, मैंने उधर ही हॉस्टल में रहना है तो मैं अंग्रेज़ी सीख के ही सियालकोट आऊँगा। उस दौर में परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कब्ज़ा किया था हुकूमत पे और एक नया वर्ड मैंने सीखा था COUP, तो अगर वो कू ना होता तो आज भी हम उसको कू ही पढ़ते। जब मैं वहाँ गया तो लिखा होता फ्रेंच फ्राइज़ इतने के, मैं हैरान था ये फ्रेंच फ्राइज़ क्या चीज़ है। मुझे फ़ायदा उसका ये हुआ कि मैं अपनी डिग्री या सर्टिफिकेट के साथ ब्रिटिश काउंसिल लगा सकता था। अंग्रेज़ी कभी सुनी नहीं, अंग्रेज़ तो तब सुनते थे जब क्रिकेट देखते थे, नाइट राइडर देखते थे, तो वो सुनते कम थे देखते ज़्यादा थे। मुझे सारी की बुक्स उन्होंने दे दी और मैं ऐसे जैसे वर्ल्ड कप मैंने जीत लिया, मैंने वो ख़जाना वहाँ से लूटा और मैं उसको सियालकोट शहर में लेकर आ गया। एजुकेशन की मैं बात कर रहा था तो फर्स्ट ईयर में जब वालिद साहब गए, वालिद साहब की ज़िंदगी में ही जब मैं 10वीं जमात में था या 9वीं जमात में था, 6ठी 7वीं में तो मैं वैसे भी अपने भाइयों को पढ़ाता था लेकिन पढ़ाने का शौक़ था अल्लाह की तरफ से, किसी ने कहा नहीं कि ये तुम्हारा करियर होना चाहिए। 10वीं में था तो मोहल्ले के बच्चों को मैं पढ़ाता था, मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाता था कि चलाओ यार मैं पढ़ा दूँ, मुझे पढ़ने का पढ़ाने का शौक़ था, हालाँकि इतना पढ़ा लिखा मैं नहीं था। अंग्रेज़ी से लगाव था कुदरती तौर पर, इसमें किसी को मैं क्रेडिट नहीं देता। हमारे कुछ रिश्तेदार थे बैरून मुल्क, वो साल बाद आते थे, वो अंग्रेज़ी बोलते थे तो मैं याद कर लेता था, क्योंकि उस दौर में अंग्रेज़ी में ना CNN BBC अगर होता भी था तो अमीरों के पास होगा, हमने तो एंटीना लगाया या DD1 आता था या DD2 आता था दूरदर्शन, और इंग्लिश की न्यूज़ भी अगर लगनी है तो वो मुझे पसंद इसलिए नहीं थी, वो पाकिस्तानी लहजे में बोलते थे। फिर जब कभी साल बाद हमारे आते रिश्तेदार तो मैं जब वो बोलते तो मैं याद कर लेता, किताबें बाहर से मंगवाता पढ़ता, मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाता, फर्स्ट ईयर में बच्चों को पढ़ाया, मुफ्त पढ़ाया, घर जा जा के पढ़ाया, शौक था कि इनको भी पढ़ना चाहिए। वहाँ से मेरा करियर शुरू हुआ और एक वक्त मैं अपने किचन में था, वालिद साहब बीमार थे और मेरी दिल में दिमाग में अल्लाह की तरफ से ही एक बात आई कि काशिफ कोई बात नहीं, अगर तेरा बाप फोत भी हो जाएगा तो तू पढ़ा लेना, तब वो ज़िंदा था। ये अल्लाह की तरफ से एक मुझे इल्हामी बात मेरे दिल में आई, तो इतने पैसे तो माँ को दे दिया करना। तो फर्स्ट ईयर में ही मेरा कॉलेज भी छूट गया, मेरी सारे काम मेरे छूट गए, फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया क्योंकि मेरा ना कोई चाचा था ना कोई ताया था, फाइनेंशियल सपोर्ट किसी तरह से भी नहीं थी, 100-200 रुपया मैं लेता था बच्चों से पढ़ाने के लिए। वहाँ से मेरा करियर जो एक प्रोफेशनल करियर है उसका आगाज़ हुआ। फिर फर्स्ट ईयर भी ऐसे ही की कि पता नहीं, कॉलेज तो मैं जाता नहीं था, खुद ही पढ़ पढ़ के प्राइवेट पढ़ने के पैसे नहीं हुआ करते थे। FA किया, FA करने के बाद साथ पढ़ाता था शाम को, सुबह कॉलेज जाता भी था तो इतना क्लासेस ली हैं जब देखा कि पढ़ाई नहीं होती तो वक्त ज़ाया करना है तो खुद पढ़ता था। अंग्रेज़ी का चूँकि मुझे शौक़ था, दीन का भी शौक़ था, इल्म था, इल्म रखता था, मसाजिद में काफ़ी वक्त गुज़रा, अजाने दी, नमाज़ें पढ़ाई, रोज़े रखे, ताक रातें, लेकिन जहालत मेरी इसका अंदाज़ा आप ये लगा लीजिए कि बीए तक मुझे ये नहीं पता था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ये सहाबी हैं कि पैगंबर। आप मेरी जहालत का अंदाज़ा लगा लीजिए या हमारे तालीमी निज़ाम की जहालत का अंदाज़ा लगा लीजिए। बीए में चूँकि अंग्रेज़ी में मुझे महारत नहीं थी, शौक़ था लेकिन जो कि पढ़ता नहीं था मैं, उसमें दो पेपर्स होते थे, एक लिटरेचर का होता था एक ग्रामर का होता था। लिटरेचर किसने पढ़ाना, क्योंकि ना स्कूल कॉलेज तो जाता नहीं था, जाते थे तो पढ़ाई नहीं होती थी, प्राइवेट पैसे दे नहीं सकते थे, तो ग्रामर मुझे शुरू से ही मैंने खुद से ही
सीखी थी, कोई भी उस्ताद मेरा नहीं है कि जो ये कहे कि भी मैंने काशिफ को ग्रामर पढ़ाई, चाहे वो छठी है या सातवीं है। वही एक सेंटेंस जो मैंने आपको पहले बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब लिख के आगे नॉट लगा दो तो ऐसा हो जाएगा। अब बीए में मैंने इंग्लिश में दो दफ़ा फेल हुआ, उसकी वजह यही थी कि मैं ए पेपर ए तो पढ़ा ही नहीं, पता ही नहीं लिटरेचर क्या होता है। पेपर बी में कुछ जो मुझे ट्रांसलेशन थी उसमें मैं अच्छा था, उर्दू में उर्दू टू इंग्लिश और इंग्लिश टू उर्दू, और इस तरह के दो चार क्वेश्चंस और हों, दो दो चार चार नंबर से मैं फेल होता था। और एक दफ़ा तो नकल करने का भी इत्तेफाक हुआ, पकड़ा भी गया, अल्लाह ताला की तरफ से छूट गया, नहीं तो बहुत दूर तक बात पहुंचती। खैर कुछ पेपर ए को पढ़ा तो फिर मेरे टोटल मार्क्स इंग्लिश के 200 हुआ करते थे बीए में, और मैंने 71 नंबर लेके तो मैं बीए पास किया। मैंने एमए में दाखला नहीं मिला मुझे, और वो एक ऐसा दौर था कि पहला ही एक साल था जिसमें सियालकोट की हिस्ट्री में एमए इंग्लिश में 200 प्लस के करीब स्टूडेंट्स थे, अदरवाइज 50-60 हुआ करते थे। और वो भी जो सियालकोट के उस दौर में एमएनए या एमपीए थे, मैं उनके पास गया कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, तो अल्लाह ने उनके दिल में डाली बात अपने कार्ड के पीछे। किसी रेफरेंस मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मैं खुद ही गया कि मुझे दाखला नहीं मिल रहा, आपकी मेहरबानी, उन्होंने लिखा कि इसको दाखला दे दिया जाए, तो मुझे एमए इंग्लिश में दाखला मिल गया। अब उस एमए इंग्लिश को भी साल पढ़ा, मैं इसलिए गया कि मुझे अंग्रेज़ी आ जाए। उस दौर में कोई उस्ताद अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाता था, पढ़ाते भी थे तो रट्टा लगा के, और मेरा इस तरह का कोई दौर, मेरा जहन इस तरह का काम नहीं करता था, क्योंकि मैं एफ़ए को भी पढ़ाता था, मैट्रिक को भी पढ़ाता था, तो ग्रामर तो मैंने ऐसे था कि उर्दू पे इंग्लिश ग्रामर या उर्दू ग्रामर कह लीजिए, इंग्लिश ग्रामर उर्दू में, ठीक है, मैं उर्दू ग्रामर की बात नहीं कर रहा, वो मैं लिख भी सकता हूँ, इतनी महारत अल्लाह ने मुझे दे दी है, लेकिन लिखता नहीं हूँ, पता नहीं क्यों नहीं लिखता, मेरा जहन उस तरफ नहीं जाता, मेरी अपनी रिसर्च बहुत ज़्यादा थी, मैं छोटी छोटी बातों को ट्रांसलेट किया करता था, नहीं आता था तो फिर लोगों से मैं पूछता था। जब एक साल गुजरा, एक साल भी, और मेरी जहालत का अंदाज़ा ये लगा लीजिए फिर से कि मैं 15वीं जमात में हूँ और एमए इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, और इस तालीमी निज़ाम ने मुझे ये तक नहीं बताया कि ऑक्सफर्ड एडवांस लर्नर्स नाम की एक डिक्शनरी हुआ करती है दुनिया में। मातम था मेरे लिए कि मैंने दोस्त से पूछा, यार इतने मुश्किल वर्ड्स हैं ये, इनके मीनिंग्स कहाँ से मिलेंगे? उसने कहा कि एक किताब होती है। अच्छा, खैर किताब खरीदी, किताब ये 3-4 हज़ार रुपये की इस दौर में वो करती थी, नहीं ले सकता था, कॉलेज में पढ़ाई नहीं थी, लेकिन उस वक्त ट्यूशन अगर मैं ना लेता तो कुछ भी ना सीख पाता, ट्यूशन पढ़ने के भी पैसे नहीं थे। फिर जहाँ मैं पढ़ाता था वो बड़े नाइस थे, अल्लाह उनको जन्नत अल फिरदौस में जगह था फरमाए, उनके दोस्त थे हमारे जो कॉलेज के डीन थे इंग्लिश के, विल्सन ब्रूस गिल साहब, वो मुझे ले गए कि चल काशिफ यार मैं तेन ले के जाना, एडी कड़ी गल है, मेरी खुशी की इंतहा, ऐसे जैसे मुझे बकरा मिल गया, लेला मिल गया, जैसे बच्चों को बड़ी ईद पे लेला मिलता है, मेरे लिए इससे भी बढ़ के खुशी थी। मुझे ले गए और मैंने वहाँ पे पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा सर मैं आपको आधी फ़ीस दे दिया करूँगा, मुफ्त में मैं नहीं पढ़ूँगा, मैं जो कमाता 1500 रुपया मैं देता, दो सब्जेक्ट पढ़ता। लेकिन वहाँ भी मैं देखता था कि यार इंग्लिश लिटरेचर में आपको अंग्रेज़ी तो आ नहीं रही है, ये क्या पोएम्स लेके बैठ जाते हैं, जॉन डन पढ़ा रहे हैं, पैराडाइज लॉस्ट पढ़ा रहे हैं, जॉन मिल्टन को पढ़ा रहे हैं, अंग्रेज़ी मुझे आ नहीं रही, तो ये इंग्लिश भी उर्दू में, और फिर इसको याद करना, फिर पार्ट वन के पेपर्स भी दिए ना चाहते हुए दिए, और पार्ट टू में मैंने फिर छोड़ ही दिया क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मुझे अंग्रेज़ी आती नहीं है तो मुझसे ये मुश्किल काम करवा रहे हैं। खैर उस दौर में किसी ने मुझे कहा कि, या मुझे खुद रिसर्च की कि एक ब्रिटिश काउंसिल के नाम से एक इदारा है लाहौर में, वहाँ तुझे अंग्रेज़ी आ जाएगी, जैसे एक प्यासा मारा मारा फिरता है। अब अंग्रेज़ी जहाँ तक लिखने पढ़ने
का ताल्लुक था. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लिटरेचर एंड एज फार एज इंग्लिश लैंग्वेज इज़ कंसर्न, इंग्लिश ग्रामर कह लीजिए, क्योंकि मैं उसकी बारीकियों तक चला गया हुआ था. अंग्रेज़ ने जो ग्रामर लिखी उसकी बारीकियों में मैं फिर नहीं कहूँगा आपको. जो पाकिस्तान में या पंजाब में जो इंग्लिश बोली जाती है या लिखी जाती है, वहाँ तक मेरी अपनी रिसर्च इतनी थी कि मैं काफ़ी ज़्यादा उस पर महारत हासिल कर चुका था. अब मेरा सफ़र दोबारा से शुरू हुआ. अंग्रेज़ी सीखनी है, माशरे को अंग्रेज़ी की ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है, मेरी पसंद है, मेरी सोच है, मेरा पैशन है. लाहौर ये सोच के निकला, पूछा पहले, वहाँ पे भी पैसे लगने थे तो वो पैसे किसी तरह, शायद मुझे अब मेमोरी का अंदाज़ा यहाँ से फिर लगा लीजिए कि मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं है कि उस दौर में मैंने पैसे कहाँ से लिए. शायद अम्मा ने दिए होंगे, क्योंकि मेरे पास पैसे कहाँ से आने हैं. वो कोर्स था सर 2 साल का. मैंने अगर अम्मा को कहा कि मैं हूँ चलना वहाँ, मैंने उधर ही हॉस्टल में रहना है, तो मैं अंग्रेज़ी सीख के ही सियालकोट आऊँगा, वहाँ पे रहूँगा, पैसे वगैरह मैं लेकर गया. जब मैं वहाँ पे एडमिशन के लिए गया तो वो एक प्रीलिमिनरी टेस्ट लेते हैं, उनके लेवल्स थे 1 से लेकर 13 तक. एक लेवल 2 माह का था, तो 13 लेवल उनके 26 महीनों में ख़त्म होने थे. मैं अब 26 महीनों की पैकिंग या सोच लेके चला गया कि अब मैं 26 महीने लाहौर गुजारूँगा. जब उन्होंने मेरा टेस्ट लिया तो ग्रामर तो अल्लाह का शुक्र था काफ़ी हद तक मैं सीख चुका था खुद से ही. जब उन्होंने टेस्ट लिया तो उन्होंने मुझे जो 13th लेवल था उसमें उन्होंने मेरी सिलेक्शन की, और वो सिर्फ 2 माह का था. और मेरी खुशी की इंतहा कह लीजिए या अफसोस कह लीजिए कि पढ़ने में 2 साल आए हूँ तो ये मुझे 2 महीने पढ़ाएंगे. उसमें फिर मैंने जमा तफरीक शुरू की, कैलकुलेशन की, मेरे अन्य पैसे बच गए. ने अम्मा को फ़ोन किया, और उस दौर में क्या होता था कि वी यूज़ टू हैव ओनली 2 क्लासेस अ वीक, हफ्ते में 2 क्लासेस होती थी. फिर उधर ही बैठ के जमा तफरीक की कि काश तू आते रहना कितने वे आके पढ़ के थे पिंडा नू वापस. तो फिर सोचा, उसी वक्त अम्मा को फ़ोन किया बाहर से, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स का तो दौर नहीं था. आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर 1999 or 2000. उस दौर में परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कब्ज़ा किया था हुकूमत पे. वो दौर मुझे याद है इतना सा. और एक नया वर्ड मैंने सीखा था, COUP. हम इसको कूप पढ़ते थे लेकिन पता चला कि ये कूप नहीं है, ये खू है. तो अगर वो खू ना होता तो आज भी हम उसको कूप ही पढ़ते. एनीवेज, वो सर 2 महीने गिन के, मैं पूरे 2 महीने भी नहीं गया हूँगा. यहाँ से 2 बजे मैं बैठता कोस्टर पे, 50 रुपये टिकट थी, वहाँ पे उतरता रिक्शा लेके ब्रिटिश काउंसिल. और अपनी जहालत का अंदाज़ा फिर लगा लीजिए, मेरी अपनी नहीं, कि उनकी कैंटीन में जब मैं जाता तो मैं खाने पीने का शौकीन अभी भी नहीं हूँ, तब भी नहीं था. मेरा ये था कि बस इतना हो कि मेरा गुजारा हो जाए. मैं वहाँ पे जाता, चाय लेता और आलू खाता. अब मेरी नज़र में वो आलू थे, हम तो इधर अपने घर में उसको चिप्स कहते थे, लेकिन मेरे लिए नई चीज़ थी कि जब मैं वहाँ गया तो लिखा होता फ्रेंच फ्राइज़ इतने के. मैं हैरान था, ये फ्रेंच फ्राइज़ क्या चीज़ है. तो एक नई जहालत का ज़िक्र यहाँ पर मैं करता चलूँ कि मुझे वहाँ पर जाके पता चला कि इन कटलस को फ्रेंच फ्राइज़ भी कहते हैं. खैर, मैं चाय के साथ वो लेता था. 6 से 8 बजे मेरी क्लास होती थी, 6 से 8 बजे क्लास ली है, और फिर मेरे पास 1 घंटा होता था कि उस 1 घंटे में मैंने अड्डे पे पहुंचना है, क्योंकि 9 बजे कोच जाती थी. तो वहाँ से नमाज़ पढ़ी और रिक्शा लिया, अड्डे पे पहुँचे. अब भूख का आलम था, क्योंकि दोपहर को मैंने खाना वगैरह तो खाया नहीं होता था, वही चाय और आलू खाए थोड़े से. अब सफ़र करना है तकरीबन 2.5-3 घंटे का सफ़र. उस दौर में तो लाहौर से वापस आने के लिए वैसे तो 2-वे है, लेकिन उस दौर में एक जो उसकी साइड थी 1-वे ट्रैफिक जो थी वो सड़क टूटी रहती थी. और मुझे किसी ने बताया रास्ते में कि सर बेसिकली लाहौर से सियालकोट 2-वे नहीं है, ये एक सड़क उन्होंने इसलिए बनाई हुई है कि अगर ये टूट जाए तो आपने ये वाली इस्तेमाल करनी. तो इसलिए हमें शिफ्ट करना पड़ता था कभी इधर कभी इधर, उसके लिए तकरीबन 3 घंटे लगते थे. तो अड्डे से मैं वहाँ से एक पेप्सी का कैन लेता था, और साथ उधर ही वो बेच रहे होते थे निम्को वगैरह, और वो मैं लेता था.
मैं साथ खुद भी खाता, साथ जो मेरे हमसाए सीट पर थे वो भी साथ शेयर करते। तो जब मैं अड्डे पे उतरता तो फिर मेरा दोस्त मुझे मोटर बाइक पर लेने के लिए आता था, और उस वक्त तकरीबन रात के 12 या 1 बजा होता था। तो हफ्ते में 2 दिन मैं लाहौर चला जाता था। रहता इसलिए नहीं था कि मुझे मौका मिल गया पढ़ाने का कि अब चले मैं पढ़ा के पैसे थोड़े बहुत और कमा लिया करूँगा। और 2 महीने मैं वहाँ पे पढ़ा, और मुझे नहीं लगता कि मैंने वहाँ से कोई नई चीज़ सीखी होगी, क्योंकि जो कुछ भी वो पढ़ाते थे ग्रामर से रिलेटेड तो वो मैं तकरीबन खुद से पढ़ चुका था। मुझे फ़ायदा उसका ये हुआ कि मैं अपनी डिग्री या सर्टिफिकेट के साथ ब्रिटिश काउंसिल लगा सकता था, क्योंकि लोगों को, ये ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं पाकिस्तान के, तो अगर मैं उनको ये ना कहता कि मैं ब्रिटिश काउंसिल क्वालिफाइड नहीं हूँ तो उनके सामने कोई एक ताकतवर चीज़ ना आती। हालांकि व्हेवर आई स्टडीड देयर मैंने आई नेवर अप्लाइड, क्योंकि वो मैं ये भी दावा करता हूँ, बहुत बड़ा इदारा है, मैं ये भी दावा अभी तक करता हूँ कि अगर आपने अंग्रेज़ी सीखनी है ब्रिटिश काउंसिल भी चले जाएंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे, लेकिन हम सिखाएंगे आपको। क्योंकि वहाँ मैंने 2 महीने में रह के देखा है कि सरसरी सा वो पढ़ाते हैं 2 घंटे दिहाड़ी के, उसमें आपने क्या क्या पढ़ना है, और हफ्ते में 2 दिन इसे अंग्रेज़ी नहीं आती है, अंग्रेज़ी के बारे में ही आप जान सकते हैं। और महीने में 2 दिन कितने टोटल हो गए, 8 दिन, 16 दिन पे पढ़ा, और उसको 16 दिनों को 2 महीने का नाम नहीं दिया जा सकता। खैर मुझे पास किया मैंने बी ग्रेड में, क्योंकि मेरी लिसनिंग इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, अभी भी नहीं अच्छी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कभी पढ़ा नहीं अंग्रेज़ी, कभी सुनी नहीं अंग्रेज़, तो तब सुनते थे जब क्रिकेट देखते थे, अदरवाइज़ अंग्रेज़ी तो थी नहीं। या हम अपने दौर में वो नाइट फाइटर देखते थे तो वो सुनते कम थे देखते ज़्यादा थे, इसलिए अंग्रेज़ी कानों में नहीं गई, इसलिए लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी नहीं, रीडिंग अंग्रेज़ी कभी पढ़ी नहीं, ग्रामर से हमेशा ताल्लुक़ रहा है, कॉम्प्रिहेंशन कभी पढ़ी नहीं, लिटरेचर कभी पढ़ा नहीं। इस तरह से कम्प्लीट हुआ। फिर जब मैं सियालकोट आया, वापस आया, तो मेरे कॉलेज में मैं पढ़ाऊँ, और उस दौर में काफ़ी ज़्यादा प्रोफेसर्स थे जो कि मुझे जानते थे, उनमें एक ऐसे प्रोफेसर थे जो कि मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हुए हैं, वो मुझे जैसे पौधा फलता हुआ बढ़ता हुआ आप देख रहे होते ना अपनी आंखों के सामने, वो मुझे देखते थे, शायद देखते होंगे, मैं लालम बकौल उनके। उन्होंने एक स्कूल शुरू किया उस दौर में, और जब उन्हें पता चला कि मैं पढ़ के आया हूँ लाहौर से, वो मेरे घर आ गए कि तुम चलो मेरे स्कूल में। मैं उस वक्त भी किसी की रिकमेंडेशन से, अपने टीचर की रिकमेंडेशन से जिन्होंने मुझे MA में पढ़ाया या BA में, जिनसे मैंने ट्यूशन पढ़ी, वहाँ से मैंने अंग्रेज़ी सीखी असल में, क्योंकि मेरे पास सोर्स एक ही था, तो मैं उनको अपना उस्ताद मानता हूँ जहाँ तक एज़ फार एज़ इंग्लिश लैंग्वेज इज़ कंसर्न। लिटरेचर उनसे सीखा, लिटरेचर क्या सीखना था, बहरहाल कुछ अशार के तर्जुमे सीखे, और उन्होंने भी मुझे अप्रिशिएट किया। उनकी मिसेस थी, आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाती थी, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, मैं वहाँ गया, कैजुअली था इंटरव्यू, मुझे डर था कि पता नहीं किस तरह का इंटरव्यू हो किस तरह का नहीं। मैंने दरवाज़ा खोला तो साहब ने मुझे सर से लेके पांव तक देखा है, इंटरव्यू में मैं क्वालिफाई किया, फिर उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, रिकमेंडेशन उन्हीं की थी, मैं तो इस जगह नहीं था, लेकिन अगर उनकी रिकमेंडेशन थी तो मैंने कभी भी उनको मायूस नहीं होने दिया। वहाँ पे तकरीबन 2 माह मैंने पढ़ाया, और उन्हीं सर को, एक्स प्रिंसिपल मेरे कॉलेज को पता चला कि मैं आर्मी पब्लिक में पढ़ाता हूँ। तनख्वाह भी मेरी 4,500 या 6,500 लगी थी, बहरहाल मेरे लिए तो काफ़ी थी। ये किस दौर की बात है, 2001 की होगी या 2002 की होगी, 1 की होगी शायद, नहीं 4,500 में लेता था। मुझे उन्होंने ऑफ़र की, मैं 6,000 आपको मैं दे देता हूँ, लेकिन मैंने उनकी ऑफ़र कबूल नहीं की। मैं होता एवं यमला सा ही था, अभी भी यमला ही हूँ, तो गली बाती गालिबल जिसने कहा, हर एक के साथ चल पड़े। उन्होंने रेजिग्नेशन, मेरा रेजिग्नेशन उधर जमा करवा दिया कि कल तो काशिप ने नहीं आना, क्योंकि वो प्रिंसिपल के आपस में प्रिंसिपल के रबते होते हैं, मुझे उन्होंने जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा सवेरे तू मेरे स्कूल आना है, तो तू जो कुछ पढ़ के आया मैं वो सारा कुछ आते लागू कर लो। जना मुझे शौक था, क्योंकि मैं जो पढ़ के आया था वो तो मैं आर्मी पब्लिक स्कूल में अप्लाई कर नहीं सकता था, क्योंकि आई वॉज स्पून फैट, जो कुछ उन्होंने देना वही पढ़ाना है। लेकिन जो कुछ मैंने वहाँ से पढ़ा या सीखा, एक और चीज़ मैं ब्रिटिश काउंसिल की बताना भूल गया कि वहाँ पे जो मुझे मैम पढ़ाती थी, मुझे उनका नाम याद नहीं है, लेकिन मैं ग्रिडी था एजुकेशन का, नॉलेज का। अब मैं तो गया सीखने के लिए कि अब आके वापस सिखाऊंगा,
लेकिन मुझे लकीली आखिरी लेवल में उन्होंने फेंक दिया, और जो पहले 12 लेवल थे मैं कितों लैके आवा जनाब। मैंने अपनी मैम से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे ये जो 12 लेवल्स के नोट्स हैं वो दे सकती हैं, और अल्लाह तो पहले उन मैम को हदायत दे, कलमा पढ़ाए, जन्नत में जगह दे अगर वो चली गई हैं। वो मुझे अपने रूम में लेकर गई हैं, और जितनी भी 4 बुक्स हुआ करती थी एडवेज की, बुक्स की तो रेडीमेड मिल जाती थी, बुक्स तो हमने ले ली, मैंने खरीद ली, वो मैं उनको पढ़ता भी था, लेकिन उनकी जो वर्क बुक्स थी वो नहीं मिलती थी, और अगर वो मिलती भी थी उनकी की बुक्स नहीं थी। अल्लाह उनका भला करे, पहले मैं फिर कहूँगा अल्लाह उन्हें हदायत दे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मुझे सारी की बुक्स उन्होंने दे दी, और मैं ऐसे जैसे वर्ल्ड कप मैंने जीत लिया। और जो ऑडियो कैसेट्स थी उस दौर में, ऑडियो कैसेट्स हुआ करती थी, सीडीज तो बाद में आई हैं, उन्होंने मुझे ऑडियो कैसेट्स भी साथ दे दी। मैं कहता हूँ यार इंजे बंदे भी दुनिया थे, हो सकता मैंने वो ख़जाना वहाँ से लूटा, और मैं उसको सियालकोट शहर में लेकर आ गया। और मैं अल्लाह का शुक्र अभी भी अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे सोच डाली, और मैं वहाँ पर गया और मैंने ये सारी चीज़ें वहाँ से सीखी। ये कह लीजिए कि पूरा जो इंटरनेशनल एक्सपोजर था वो मुझे वहाँ पर मिल गया, और फिर मैंने वहाँ जाके खुद भी कहा कि अच्छा एज ए ब्रिटिश काउंसल लोगों ने रौला पाया था सी। एनीवे आई लर्नड अ लॉट। अंग्रेज़ी का तो नहीं इतना कि कोई 12 दिनों में आपने क्या सीखना है क्या नहीं। 12 दिनों में अगर अंग्रेज़ बनना शुरू हो जाए तो उत्थे दरबार शरीफ होना सी, ब्रिटिश काउंसिल नहीं सी होना, दरबार शरीफ होना सी उसका नाम, क्योंकि आप 12 दिनों में अंग्रेज़ी नहीं सीख सकते। वो लेकर आया, तो फिर जब मैंने अपना इदारा यहाँ पर खोला तो फिर उन्हीं के सेट्स की मैं फ़ोटोकॉपी करवाया करता था, उन्हीं के सेट्स के ऊपर। फिर मैंने खुद से उनके नाम रखे जो कि अभी तक चल रहे हैं, उनके लेवल्स थे 13। मैंने उन बुक्स को सामने रखते हुए अपने 4 लेवल्स बनाए जो कि अभी तक यहाँ पर चल रहे हैं। और फिर एक एडवांस लेवल्स भी लेवल भी था उनका, जो कि मैं नहीं कर पाया। मैंने कहा यार नहीं काफ़ी है अब, मैं मज़ीद तो मैं खुद से सीख लूँगा, क्योंकि मैं इतने पैसे मज़ीद मैं नहीं दे सकता, चलो इतना ही काफ़ी है। लेकिन मैंने उनकी किताबें मार्केट से ले ली, मैंने A to Z जितनी भी लैंग्वेज से रिलेटेड उनकी सीरीज़ थी सारी मैंने मार्केट से पैसे इकट्ठे करके मैंने ले ली। और जब मैं यहाँ पर पढ़ाया करता था तो मैं उनको ओरिजिनल बुक लाहौर से खुद जाता था, लेके आता था और इनको मैं देता था। और ऑडियो बुक्स नहीं मिलती थी, सॉरी ऑडियो कैसेट्स नहीं मिलती थी, उनकी मैं अपने मोहल्ले से कॉपी करवाता, उसके ऊपर स्टिकर लगाता, फिर उनका जो बुक्स का नाम होता था मैं उनकी मैंने स्टैम्प्स बनवाई, मैं स्टैम्प्स के साथ उनके ऊपर नाम लिखता था, फिर बच्चों को मैं गिफ्ट करता था। बड़ी खुशी होती थी मुझे बच्चों की मदद करने के लिए, और अभी भी होती है। तो ये मेरा अंग्रेज़ी का जहाँ तक ताल्लुक है सीखने का। अब मैं अपने आप को मैं MA नहीं कर पाया क्योंकि छोड़ दिया रास्ते में, आ कुछ नहीं रहा था। BA मैं इसलिए नहीं अपने आप को मानता क्योंकि मैंने नकल करके पास हुआ हूँ, लेकिन 3rd जब मैंने अटेम्प्ट की तब मैं अपनी कोशिश की। अगर आप मेरी क्वालिफ़िकेशन पूछें तो मैं सिर्फ 12 जमातें पढ़ा हुआ हूँ, बाकी अगर 12 जमातें भी अगर आप मुझसे कहें तो मैं 12 भी नहीं पढ़ा हुआ, मैंने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ, क्योंकि मैट्रिक तक की चीज़ें मुझे याद इसलिए हैं कि मैंने मैट्रिक तक पढ़ाया है, और अंग्रेज़ी मैंने MA तक पढ़ाई, हालांकि मैंने MA नहीं किया हुआ था। और एक और बात जो कि शायद बुरी हो ऑडियंस के लिए, मैं नहीं कहूँगा कि उनको करना चाहिए, चूँकि मैं हमेशा लोगों की मदद के लिए आगे रहा हूँ। मैं 5th ईयर में पढ़ रहा था, तो उस दौर में जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कॉलेज की तंजीम, जो स्टूडेंट्स की तंजीमें होती हैं, उनके भी कुछ बच्चे MA में पढ़ते थे। उनको लगा कि मैं और किन्ना को पढ़ाया था वहाँ, क्योंकि जब मैं थोड़ा बहुत एक दो बोलता था, प्रोनाउंसिएशन को माड़ी मोटी चंगी थी मेरी, या एक्सेंट कोई माड़ा मोटा कोई डेंगा मुँह करके बोल रही था सी, उसने ना पढ़ा और किन्ना पढ़िया था। उसने कहा यार फलाण फलाण मुंडे का BA का पेपर तू देना है। मैं एक दफ़ा आई वॉज रिलकटेंट, तो मैंने कहा चल यार कोई गल नहीं, तो भला हो जाएगा मैं ही दे देना पेपर। तो पेपर कौन दे रहा है जिसने लिटरेचर BA का पढ़ा ही नहीं हुआ, सिर्फ ग्रामर आंदी है। बहरहाल वो मुझे ले गया, और मैं इतने टके के साथ जनाब मैंने BA का पेपर उसका दिया कि वाकई कि असली बंदा बैठा हुआ। मेरा अल्लाह का डर होप था, लेकिन उस तरह का डर होप नहीं था कि मैं 2 नंबर ही कर रहा था, चल यार किसी से काम ही आने। तो मैंने किसी की जगह पेपर भी दिया हुआ, और इससे बढ़ के क्या। फिर जब मैं आर्मी पब्लिक गया तो मेरे पास ब्रिटिश काउंसिल की लाइब्रेरी कार्ड था, स्टूडेंट मेम्बरशिप थी, किताबें थी, नोट्स थी। तो वहाँ पे पेटी पर आ जब आपके मिलते हैं, आप भी इंग्लिश पढ़ाते हैं, अभी पढ़ाते हैं, अभी पढ़ाते हैं, तो मैंने सारे निकाल के उनको दे दिए कि आप ये ले लें और आप भी जाके वहाँ पे फ्री में लाइब्रेरी के जो है इंजॉय करें, जाके ये नोट्स लें, ये करें, वो करें। मुझे बड़ी खुशी हुआ करती थी। और अभी उन्हीं, ये बुरी बात है बताना लेकिन शायद लोग सीखें इस चीज़ से कि क्रिएटिव काम करने से इंसान आगे जाता है। स्पून फीडिंग से आप वहीं के वहीं रहते हैं,
और वो जो कुलीग्स हुआ करते थे वो अभी भी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, और मुझे अल्लाह ने, अल्लाह उनको भी इज़्ज़त दे, मैं नहीं समझता कि मेरी इज़्ज़त उनसे ज़्यादा, अल्लाह मुझे माफ़ करे, लेकिन अल्लाह ने ज़िम्मेदारी मुझे ज़्यादा दे दी कि अब हम बड़े लेवल पे हम ये काम कर रहे हैं।